हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ पे हम मेहंदी घोल रहे हैं, तवा पे घोलूँगी तो अच्छा रहेगा क्योंकि तवा पे घोलने से मेहंदी और भी अच्छी हो जाती है, तवा या लोखन की कढ़ाई में। तो यहाँ पे मैंने घोल के रख दिए। वैसे तो मैं धूप से बहुत ज़्यादा भागती हूँ, लेकिन सुबह की धूप से मैं नहीं भागती हूँ। देखो मेरे मुँह पे आ रही है। सुबह सुबह की जो हल्की वाली धूप होती है वो बहुत अच्छा होता है लेना। मेरे तो पूरे घर में ही आती है, पूरे बेड पे भी आती है। तो मैं सामने ही बैठ गई विंडो के, मेहंदी लेके लगा ले रही हूँ। मैं डाई वाले ब्रश से लगाऊंगी। वैसे तो मैं क्या करती थी, हाथ से ही लगा डालती थी जल्दी की वजह से, लेकिन आज मेहंदी लगी है हाथों में तो खराब हो जाएंगे हाथ, इसकी वजह से मैं ब्रश से लगाऊंगी इसको। इतनी मेहंदी को ना यहाँ पे रख दे रही हूँ, बाद में मैं पैरों में लगा लूँगी नहाने के बाद। नहाने के पहले तो लगा नहीं सकती। लगता है झाड़ू पोछा अभी अभी करके गए हैं, साफ है पूरा, पूरा क्लीन पड़ा है। मेट्रो निकल रही है, मेट्रो दिखाती हूँ मैं। ये देखो मेट्रो ट्रेन जा रही है। ये व्यू वहाँ का है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके जस्ट सामने जो रेफ्यूज एरिया दिया है ना बिल्डिंग में, वहाँ पे खड़े होके हम मेहंदी सुखा रहे थे। तो सुबह सुबह का टाइम है, अच्छा लग रहा था, तो मैं सोची यहाँ पे खड़े होके अच्छा टाइम पास हो जाएगा। तो मैं खड़ी देख रही थी तो सामने से मेट्रो निकल रही है, तो मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ मॉर्निंग का जो प्यारा सा व्यू है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। अभी मैं आ गई हूँ यहाँ रेफ्यूज एरिया में, मेहंदी सुखा लेती हूँ, यहीं पे टहलती हूँ। घर में भी क्या करूँगी बैठ के, यही तो गार्डन चली जाती है। फिर सोची यहीं पे टहलती हूँ जब तक मेहंदी सूख जाएगी। और काम तो सारे कर चुकी हूँ मैं, सुबह के जितने भी होते हैं, सिर्फ अभी नहाना बाकी है। बस ये मेहंदी सूख जाएगी, फिर नहा के पूजा करनी है, फिर उसके बाद आगे के काम देखने हैं क्योंकि आज है करवा चौथ। तो हैप्पी करवा चौथ आप सभी लोगों को, करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज करवा चौथ है, एक साल मेहंदी लग गई है, इसको छुपा देती हूँ, कलर नहीं लग जाएगा। पानी है यहाँ पे, पानी से कर देती हूँ, मैं पानी दाग लगाया हूँ। कल मैंने इसलिए नहीं लगाई थी, कल मंगलवार था तो मंगलवार को सर नहीं धोते, तो मैंने इसलिए कल नहीं लगाई थी। आज बुधवार है तो मैं सोची आज ही लगा लेती हूँ। क्या कहाँ पढ़ने जाओगे? सर का फोन आया, बोल रहा हूँ पढ़ रहा। मतलब समझी नहीं मैं, छुट्टियों में सर पढ़ने जा रहा हूँ। तो तुम क्लास नहीं गए आज? फोन कर रहे, अरे पता नहीं पहली क्लास। हम तुम्हें मारेंगे प्रिंस, अगर फोन आ गया क्लासेस से कि प्रिंस क्लासेस नहीं आ रही। देखती हूँ कितना पढ़ रहे हो, देखती हूँ, आ रही हूँ, चेक कर रही हूँ कितना पढ़ रहे हो। क्लासेस की छुट्टी करके पढ़ रहे हो, तुम्हें एग्जाम है कॉलेज में। अभी 7:30 बजे हैं, मैं उठ गई थी आज 6:15 बजे उठ गई थी, तो आधा घंटा में सारा काम कर लिया और 15-20 मिनट मेहंदी में लग गए, घोलने में, लगाने में, फिर उसका तवा वगैरह धो के रखा। और अभी सर पे ऐसा लग रहा है कि हाँ कुछ काम बहुत बड़ा बाकी है। पता है क्या है, क्योंकि मैं काम करने के बाद तुरंत सबसे पहले नहाती हूँ, फिर पूजा करती हूँ। आज पहली बार मैं काम करने के बाद खड़े होकर टाइम पास कर रही हूँ, आदत नहीं है ना, तो बहुत अजीब लग रहा है मुझे। तो सूख जाए कम से कम 1.5-2 घंटे लगाऊंगी, 2 घंटे तो कम से कम होने चाहिए। डेली तो जल्दी कर लेती थी, आज 9 बज जाएगा करते करते शायद, 7:30-8:30 9 बजे तक होगी, हो जाएंगे 2-2.5 घंटे आराम से। 2 घंटे तो मान ही लो, क्योंकि आधा घंटा तो हो ही चुका लगाए हुए, 15-20 मिनट से तो यहीं टहल रही हूँ मैं। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में। हाँ, जब तक मैं यहाँ पर मेहंदी सुखा लूँ, नहाने के बाद मिलूँगी अभी आप लोगों को, सर धोने के बाद, नहाने के बाद, न्यू कपड़े पहनने के बाद मिलूँगी। तो आप सभी लोगों को वापस से बोल रही हूँ हैप्पी करवा चौथ। आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएँ। और आप लोगों को सब सुबह सुबह का नज़ारा भी दिखा देती हूँ, मॉर्निंग का 7:30 बजे के लगभग का नज़ारा यहाँ का कैसा है। देखो ये है हमारे रेफ्यूज एरिया का सुबह 7:30 बजे का नज़ारा। हल्की हल्की भीनी भीनी धूप और
चौराया है। सुबह सुबह कितना धुआं धुआं सा लग रहा है, देखो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। हो या कुछ भी, यहाँ का नज़ारा बड़ा खूबसूरत है। ये है हमारा बिल्डिंग का नीचे का गार्डन। स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है, देखो ये मेट्रो स्टेशन है, देखा। थोड़ी देर खड़ी होंगी यहाँ, फिर मैं जाके अपने मोबाइल पे बैठ के जब तक काम करती हूँ, एडिटिंग कर लेती हूँ, तो मेरा दोनों काम हो जाएगा, मेहंदी भी सूख जाएगी और एडिटिंग भी कर लूँगी एक ब्लॉग का। ये है धुली उड़द की दाल, जिसको मैं अभी डाल दूँगी तो शाम तक फूल जाएगी, क्योंकि ये टाइम लेगी थोड़ा। मैं रात को नहीं डाली थी, रात को डालती ना तो कुछ ज़्यादा ही अजीब सी हो जाती है, एकदम महकने सी लगती है। इसकी वजह से मैं रात को ना डाल के सुबह ही उठ के जल्दी डाल दूँगी, तो शाम तक फूल जाएगी अच्छे से। फिर मैं बना लूँगी इसके दही बड़े, तो मैं इसको भिगो के ढक के रख दे रही हूँ साइड में। तो यहाँ पे मैं नहा चुकी हूँ, सर धो चुकी हूँ और अभी बैठ के लगा रही हूँ लोशन, और थोड़ा तंगी वगैरह कर ली, सिंदूर वगैरह डाल लिया, क्योंकि अभी सारे दिन मुझे लगना ही है, एक एक करके काम सोच रही हूँ क्या पहले करूँ। तो सबसे पहले तो मैं नहा के सिंदूर डाल के फ्रेश हो गई हूँ। अब मैं इनके कपड़े लगा दे रही हूँ, प्रेस के रखे हैं काफ़ी, दो तीन दिन से लगाए नहीं तो भरे पड़े हैं, तो मैं सोची वो सेट कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपने और कामों में लगूँगी, क्योंकि त्यौहार के दिन इतने सारे काम होते हैं ना हम लोगों को, ये पता ही नहीं चलता कि दिन कब खत्म हो गया, और आज तो बहुत ज़्यादा काम है। उस दिन मैं दो बेडशीट लेके आई थी, जब मैं राशन लेने गई थी मंथली वाला, तब लाई थी मैं ये दो बेडशीट, एक ये है और एक ये है, ये दो लाई थी। तो मैं इसमें रख दे रही हूँ बेड में उठा के, क्योंकि इनकी कपाट में रखी थी तो गुस्सा कर रहे थे, मेरी कपाट क्या फालतू है, सारी बेडशीट ऐसी ही भर देती हूँ फालतू चीज़ें, अपने कपाट में रखो नहीं तो उठा के निकाल के बाहर रख दी उन्होंने। तो मैंने बोला चलो मैं बेड में डाल देती हूँ, दिवाली पे ज़रूरत पड़ेगी तब निकाल लूँगी। तो ये दोनों बेड सीटें उठा के मैं डाल दे रही हूँ बेड में, क्योंकि इसमें स्टोरेज रखने की जगह खूब सारी है, तो मैंने वो डाल दी बेड में। तो अभी बेड में बंद कर दूं, हो गया। अभी मैं इस वाले ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में मिलूंगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना, और अभी मैं जा रही हूँ खाना बना लेती हूँ। इस वाले ब्लॉग का एंड कर देती हूँ और आप लोगों को अगले वाले ब्लॉग में मिलूंगी, इसके जस्ट आगे के पार्ट में, तो उसको आप लोग जरूर वॉच करना, क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल वाला ब्लॉग होगा करवा चौथ का। करवा चौथ का तो आज का भी है, लेकिन मैं थोड़ा ही शेयर की हूँ, ज़्यादा नहीं, क्योंकि दोनों को अगर ज्वाइंट कर दूंगी ना तो फिर मज़ा नहीं आएगा व्लॉग देखने में, इसकी वजह से इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ, और इसके आगे का आप लोगों के साथ बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी, टाइम बिल्कुल भी नहीं लूंगी। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ किचन में, बनाती हूँ खाना और फिर तैयारी करती हूँ, फिर बाद में खुद तैयार होंगी। तो इसके बाद का व्लॉग आप लोग जरूर वॉच करना, इसको मैं एंड करती हूँ और मिलती हूँ आप लोगों को अगले वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक जरूर कर देना। तो हैप्पी करवा चौथ, आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं।